नमस्कार, के आर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर है इछावर से, जहां पर शनिवार को पिकनिक मनाने परिवार के साथ गई रुबीना का। कलिया देव कुंड में रविवार को सुबह तक भी कोई पता नहीं, रेस्क्यू जारी है। इछावर से 25 किलोमीटर दूर अलीपुर पंचायत के अंतर्गत आने वाले कलिया देव में झरने पर इछावर निवासी अयूब खान नायक का परिवार पिकनिक मनाने कलिया देव झरने पर गया था। जब परिवार वहां से वापस लौट 4 बजे के लगभग लौट रहा था, तभी अयूब खान की 45 वर्षीय पत्नी रुबीना का पैर फिसल जाने से वह झरने में बहती हुई कुंड में जा गिरी, जहां बताया जाता है कि उसके देवर राजा ने भी रुबीना को कुंड में कूद कर बचाने की कोशिश की, पर कुंड में पानी का बहाव इतना तेज था कि वह अचानक गायब हो गई और फिर दिखाई नहीं दी, जिसके बाद से 5 बजे से 7 बजे शाम तक स्थानीय तैरकों ने कुंड में रेस्क्यू किया। आखिरकार सभी हिम्मत हार कर कुंड से अंधेरा होने की वजह से कुंड से बाहर आ गए। शाम 7 बजे से 9 बजे तक SP शमीर यादव कलिया देव नदी में टॉर्च से सर्च करते रहे। उनके साथ इछावर थाना प्रभारी उषा मरावी भी अंधेरे में टॉर्च के सहारे नदी में सर्च करती रही। 9 बजे SDRF की टीम ने नाव के सहारे कांटे फेंक कर रुबीना की खोज की, पर रात 12 बजे तक महिला का कोई अता पता नहीं चला। रेस्क्यू सुबह 8 बजे फिर शुरू हुआ। 9 बजे गोताखोरों ने पानी की सतह पर जाकर रेस्क्यू किया। वहीं पहला गोताखोर रेस्क्यू कर लौटा। सुबह 10 बजे नाव को घुमाकर पानी के झोंके दिए गए। कांटे डालकर रेस्क्यू ऑपरेशन 20 घंटे दोपहर 12 बजे तक जारी। इछावर से जलील खान की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की और तमाम खबरों को जानने के लिए आप KKR न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।